सो हे गाइज वेलकम टू कोड ऑफ्स तो हम लोगों ने लिंक लिस्ट स्टार्ट करा था गाइज एंड पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि लिंक लिस्ट क्या होती है लिंक लिस्ट को हम लोग इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं फिर हमने देखा कि लिंक लिस्ट को हम लोग ट्रेवर्स कैसे करते हैं उसमें इंसर्ट कैसे करते हैं या फिर हम लोग उसमें डिलीट कैसे करते हैं किसी भी नोट को तो so, ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया है गाइज ऑलरेडी एंड इस वीडियो से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं गाइज तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास कई इसकी एक हमारे पास लिंक लिस्ट गवेन है लिंक लिस्ट की हेड नोड किबेन है हमें क्या करना है रिटर्न द मिडिल नोड ऑफ द लिंक लिस्ट हमें उसके मिडिल नोड को रिटर्न करना है अच्छा मिडिल नोड को रिटर्न करना है यहाँ पर देखो मिडिल नोड को रिटर्न करना है ना कि मिडिल एलिमेंट को रिटर्न करना है अगर मिडिल एलिमेंट अगर बोला जाता तो हम लोग सिर्फ थ्री एज ए इंटीजियर रिटर्न कर देते लेकिन हम लोग को यहाँ क्या कहा गया है कि मिडिल नोड को रिटर्न करना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिटर्न टाइप जो है वो लिस्ट नोड है दैट मीन्स कि उस पूरे नोड को ही हमें रिटर्न करना है तो वही इसकी जो रिटर्न टाइप है वो लिस्ट नोड है दैट मीन्स कि हम लोगों को पूरे नोड को रिटर्न करना है तो अगर इस एग्जाम्पल में देखें हम लोग तो जैसे वन टू थ्री फोर फाइव एक लिंक लिस्ट थी एंड इसका अगर हम लोग देखें तो जो मिडिल एलिमेंट है वो थ्री है तो हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं थ्री एज ए नोड रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप लोग आउटपुट पे देख सकते हो जैसे थ्री फोर फाइव है आउटपुट फिर यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे कि थ्री फोर फाइव कैसे है क्योंकि मिडिल एलिमेंट तो थ्री है तो थ्री फोर फाइव ऐसे है गाइस क्योंकि थ्री एज ए नोट हम लोग रिटर्न करेंगे अगर लेट सपोज तो थ्री के राइट में थ्री के राइट में फोर है फोर के राइट में फाइव है तो ये यहां से ये लेकर के थ्री फोर फाइव ये पूरा लिंक लिस्ट जो है ये रिटर्न हो जाएगा क्योंकि थ्री एज ए नोड हम लोग रिटर्न कर रहे हैं इसी तरह अगर सेकंड एग्जांपल में देखें तो जैसे ये इवन लेंथ की लिंक लिस्ट थी एंड यहाँ पे हम लोगों को क्या कहा गया है कि अगर इवन लेंथ की लिंक लिस्ट हो अगर दो मिडिल नोड्स हो क्योंकि इवन लेंथ के लिंक uh, लिस्ट में दो मिडिल नोड्स होगी जैसे थ्री एंड फोर तो इसमें क्या कहा गया है कि सेकंड मिडिल को रिटर्न करना है तो से हम लोग लोग क्या return करेंगे four को return करेंगे को तो पे आप देखो ये कुछ क्वेश्चन था गाइज एंड आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा तो चलिए देखते कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं तो ये हमारे पास की है, ये हमारे पास इवन लेंथ की लिंक लिस्ट है ठीक है तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है सॉल्व करने का ब्रूट फोर्स में ये हो सकता है कि हम लोग क्या करें हम लोग एक लूप चलाएं हम लोग एक लूप चलाएं वाइल वाइल जब तक हमारा जो टेम्प्रेरी है सबसे पहले हम लोग क्या करें हम लोग टेम्प्रेरी ले लें एक नोड नोड टेम्परेरी इक्वल्स टू हेड हेड को इसमें स्टोर कर लें एंड हम लोग एक लूप चलाएं वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल एंड यहाँ पर हम लोग काउंट को प्लस प्लस करते रहे एंड यहाँ पर टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दें तो इससे क्या होगा इससे हम लोग क्या कर लेंगे इससे हम लोग सारे एलिमेंट्स को काउंट कर लेंगे कि, कि कितने एलिमेंट्स हैं इस पूरे लिंक लिस्ट में

तो उससे फिर क्या हो जाएगा थ्री एज ए नोड रिटर्न हो जाएगा तो हम लोग जीरो से एन बाई टू तक लूप चलाएंगे यहाँ तक एंड इस एलिमेंट को हम लोग क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे एंड इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे इस तो इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी सबसे पहले बिग ऑफ एन हम लोगों को लग जाएगा एक बार पूरे लिंक uh, लिस्ट को ट्रेवर्स करने में देन प्लस बिग ऑफ एन बाई टू हम लोगों को लग जाएगा फिर Uh, एक और बार ट्रैवल्स करने के लिए क्योंकि हम लोग जीरो टू एन बाई टू फिर से ट्रैवल्स करेंगे एंड देन वहाँ से रिटर्न करेंगे तो ये हो जाएगी इस एल्गोरिथम की ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेकिन अगर आप लोग इंटरव्यू में होगा इस तो सबसे पहला मैथड तो आप लोगों को यही बता रहे हैं जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था सबसे पहला मैथड ग्रूफ फोर्स तो आप लोग यही बताओगे एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन बाई टू लेकिन सेकंड मैथड जो इसका ऑप्टिमाइज मैथड है उसको चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं गाइज उसमें हम लोग दो पॉइंटर्स लेते हैं इसको मैं थोड़ा सा अगर नीचे कर लूँ इसको बस मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ गाइस ताकि ऊपर हम लोगों के पास स्पेस हो तो ठीक है गाइस तो इसमें हम लोग क्या करते हैं इसमें हम लोग दो पॉइंटर लेते हैं इसमें हम लोग दो पॉइंटर लेते हैं एक हम लोग लेते हैं स्लो एंड एक हम लोग लेते हैं फास्ट तो दो पॉइंटर लेते हैं एंड स्लो को हम लोग क्या करते हैं अच्छा सबसे पहले इनिशियली हम लोग स्लो को भी एंड फास्ट को भी हम लोग हेड से असाइन कर देते हैं स्लो एंड फास्ट को हम लोग हेड से असाइन कर देते हैं अब हम लोग क्या करते हैं हम लोग स्लो को स्लो को हम लोग एक स्टेप से आगे बढ़ाते हैं एंड फास्ट को हम लोग दो स्टेप से आगे बढ़ाते हैं ये कैसे करते हैं ये मैं बताता हूँ जैसे हम लोग क्या कर देंगे स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट इससे क्या होगा स्लो एक पॉइंटर आगे आ जाएगा जैसे पहले स्लो एंड फास्ट दोनों यहाँ पे है तो स्लो जो है फिर यहाँ पे आ जाएगा स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट करने से एंड फास्ट को हम लोग कैसे बढ़ाते हैं फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट ऐसे हम लोग फास्ट को बढ़ाते हैं दैट मीन्स कि दो बार आगे बढ़ रहा है तो हम लोग फास्ट को क्या कर रहे हैं अगर, अगर फर्स्ट टाइम में फास्ट हमारे यहाँ पे तो नेक्स्ट टाइम हमारा जो फास्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा दैट मीन्स कि वो दो स्टेप से जंप ले रहा है एक स्टेप एंड दो स्टेप तो दो स्टेप का जंप लेता है तो इस इस एल्गोरिथम का हम लोग यूज़ करते हैं तो इससे चलिए इसको एक बार ट्रेवल्स करते हैं तो सबसे पहले स्लो जो है वो हमारे यहाँ पे होता है एंड फास्ट भी इनिशियली हमारा जो होता है वो हेड नोट को पॉइंट कर रहा होता है फिर मैंने क्या बताया स्लो एक पॉइंटर से आगे बढ़ता है एंड फास्ट जो है वो दो पॉइंटर से आगे बढ़ता है तो इससे क्या होगा गाइज इससे देखो इससे क्या होगा इससे मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या होगा जैसे कि लेट सपोज लेट सपोज यहाँ पे दो, आद दो आदमी है दो आदमी यहाँ पे एक जो है एक जो है वो पाँच की स्पीड से बढ़ता है एंड पाँच भी नहीं लेते हैं लेट सपोज लेट से एक जो आदमी है वो एक्स की स्पीड से बढ़ता है एंड जो दूसरा आदमी है वो टू एक्स की स्पीड से बढ़ता है तो इन दोनों को सौ मीटर की डिस्टेंस को पास करनी है ठीक है एंड दोनों अगर सेम टाइम पे चले अगर दोनों सेम टाइम पे चले तो पहला बंदा जो है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा अगर अगर पहला बंदा यहाँ पे पहुंच जाएगा तो दूसरा बंदा उसके मिड वे तक पहुंच ही पाएगा क्योंकि पहले वाले की जो स्पीड है वो टू एक्स है एंड दूसरे वाले की स्पीड जो है वो एक्स है तो जब पहला बंदा जो अगर वो लास्ट में पहुंच जाता है तो फॉर श्योर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो दूसरा बंदा है वो मिड वे तक ही पहुंचा होगा क्योंकि ये उससे दुगनी स्पीड से आगे बढ़ रहा था इसलिए वो लास्ट तक पहुंच गया तो इसी कंसेप्ट का यूज होता है इस एल्गोरिथम में कि हमारा जो फास्ट पॉइंटर है हमारा जो फास्ट पॉइंटर है वो दो दो स्टेप से आगे बढ़ रहा होता है एंड हमारा जो स्लो पॉइंटर है वो एक एक स्टेप से आगे बढ़ रहा होता है तो इससे क्या होता है कि जब हमारा जो फास्ट पॉइंटर है हमारा जो फास्ट पॉइंटर है वो जब एंड में पहुंच जाएगा वो जब एंड में पहुंच जाएगा जब फास्ट पॉइंटर हमारा तो हमारा जो स्लो पॉइंटर है वो, हम वो हमेशा ही इमेंड में होगा तो अब चलिए इसको एक बार ट्रेवल्स करते हैं एंड इसको चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं तो स्लो एंड फास्ट दोनों ही वन पे था ठीक है तो स्लो आगे बढ़ा एक स्टेप से तो स्लो जो है वो टू पे आ गया फास्ट आगे बढ़ा दो स्टेप से तो फास्ट जो है वो थ्री पे आ गया ठीक है नेक्स्ट टाइम जब स्लो आगे बढ़ा तो स्लो आ गया थ्री पे एंड फास्ट आगे बढ़ा तो फास्ट आ गया हमारा फाइव पे फास्ट दो से आगे बढ़ रहा है तो फोर एंड फाइव तो फाइव पे आ गया अब देखो फास्ट हमारा जो है वो एंड में है तो हमारा स्लो कहाँ पे है यहाँ पे देखो ये हमारा स्लो है तो स्लो हमारा कहाँ पे है वो मिडिल एलिमेंट पे तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे सिंपली रिटर्न कर देंगे स्लो को तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस इसी तरह तो अगर हम लोग इवन लेंथ में देखें तो इवन लेंथ में भी यहाँ पे सेम होगा यहाँ पे स्लो एंड फास्ट है तो स्लो एक से आगे बढ़ा फास्ट जो है वो दो से आगे बढ़ा फिर स्लो एक से आगे बढ़ा फास्ट जो है वो दो से आगे बढ़ा फिर स्लो एक से आगे बढ़ा फिर फास्ट जो है वो दो से आगे बढ़ा तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जब हमारा ऑर्ड कंडीशन में ऑड कंडीशन में जब हमारा लास्ट एलिमेंट में फास्ट पहुँच जाएगा तब हमें मिडिल एलिमेंट मिल जाएगा एंड इवन के कंडीशन में जब हमारा जो फास्ट है हमारा जो फास्ट वाला पॉइंटर है वो कहाँ पे पहुँच जाएगा वो नल पे पहुँच जाएगा वो नल को पॉइंट करेगा तब हमारा जो स्लो पॉइंटर है वो मिडिल पे होगा

हम लोगों ने स्लो पॉइंटर ले लिया एंड फास्ट पॉइंटर ले लिया हम लोगों ने लूप चलाया जब तक हमारा जो फास्ट है या तो वो नल ना हो जाए या फिर फास्ट डॉट नेक्स्ट जो है वो नल ना हो जाए दैट मीन्स मैं यहाँ पे जो बता रहा था आपको ऑड इवन का केस अगर ऑड होगा तो फास्ट डॉट नेक्स्ट नल होगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फास्ट जो है वो फाइव को पॉइंट करेगा एंड फाइव डॉट नेक्स्ट इज़ नल तो ऑड वाले में ये वाली कंडीशन होगी एंड इवन वाले केस uh, में कौन सी कंडीशन हो जाएगी जब हमारा फास्ट जो है वो खुद ही नल को पॉइंट करने लगेगा तो ये वाले यहाँ पे केस को हम लोग हैंडल कर रहे हैं कि अगर दो से आगे बढ़ेगा एंड लास्ट में हम लोग स्लो को रिटर्न कर देंगे दैट मीनस कि हमारा स्लो है वो हमारा मिडिल एलिमेंट पर पहुंच चुका है तो ये हम लोगों का कोड था गाइज एंड इसको चलिए एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं तो ये रन हो जाना चाहिए तो ये रन हो रहा है इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं गाइज तो हालांकि ये सबमिट भी हो जाएगा मैंने चेक करके देखा है तो ये सबमिट भी हो रहा है तो बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में गाइज तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग देख सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारा जो स्लो है वो मिडवे तक जा रहा है एंड हमारा फास्ट जो है वो एंड तक जा रहा है बट बट हमारा जो फास्ट है वो दो दो के स्टेप ले रहा है थाँग तो हम लोग इससे क्या कह सकते हैं कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन बाई टू होगी क्योंकि हम लोग सिर्फ आधा ट्रेवल्स कर रहे हैं एंड फास्ट तो दो दो स्टेप ले रहा है इसलिए वो ज्यादा आगे पहुंच जा रहा है तो इस algorithm की टाइम इसलिए होगी बिग ऑफ एन बाई टू एंड किससे हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया हम लोगों ने बिग ऑफ एन प्लस एन बाई टू से रिड्यूस कर दिया टाइम कम्पलेक्सिटी को बिग ऑफ एन बाई टू में एंड यही सबसे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का तो अगर आप लोगों से इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंटरव्यू जो है आप लोगों से ये वाला सोल्यूशन एक्सपेक्ट करता है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए तो इतना ही था गाइज इस वीडियो के लिए एंड आई होप की कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइज एंड आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा इस क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो गाइज तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड कर देना वीडियो को लाइक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइज एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे होंगे लिंक लिस्ट के ऊपर तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू